नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हम विषय लेकर के आए हैं, ये चार प्रश्न हमारे पास है। इस पर मैं पढ़ा चुका हूं पूर्व में भी, सबकी बार की बार की सिद्धि भी बना हुआ है हमारी विमल सिंह अध्यक्ष। आज हम इंक्लूडिंग एक क्वेश्चन लिखे और इस पर हम बताते जाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए, बीच में कुछ बात हो तो आप बोल सकते हैं। और ये भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब सही है, हो सकता है कहीं कुछ गलत भी हो सकता है। जहाँ गलती हो वहाँ आप बोले, ऐसा नहीं है कि हम सौभाग्य हैं, ऐसा की दुनिया है, हम सब कुछ सही जानते हैं, कहीं गलती हो सकती है, आप लोग मुझको सुधार सकते हैं अगर आपको लगता है। चलिए नंबर वन, आपको क्वेश्चन भी आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे मानव संसाधन विकास के लिए भारत सरकार जो राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट बनाई है वो इस प्रकार है, मैं बता रहा हूँ। और जो भारत सरकार का समाज न्याय अधिकार का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत संचालित है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं आपके 9 हैं, कितने हैं? 9 इंस्टीट्यूट हैं जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। वो 9 का नाम आप सुनिए, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बड़ा पेपर आप वीडियो देख करके लिख सकते हैं। नंबर 1 AYJMISHB अली यावरियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, AYJNISHB अली यावरियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। सेकेंड NIEPD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, ये कहाँ अवस्थित है? बीजेपी पूछे तो आपको पढ़ाया हुआ चीज है तो जरूर बताएं, हम इसलिए एकत्रित करके दे रहे हैं, मैं इसको पढ़ अच्छे से गूगल हिंदी इंग्लिश बुक पढ़ के मैं इसको निकाल करके लाया कि आपकी विस्तृत जानकारी हो। ऐसा कुछ नए नई चीजें दो चार हैं जो आपको जानकारी ना रहे तो ठीक बात नहीं है, इसलिए उसको भी दे रहा हूँ। तो आपको NIEPD जो है नेशनल फॉर इम्पॉर्टेंट पर्सन विजुअल डिसेबिलिटी है, देहरादून में अवस्थित है। इसके बाद NIEPI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पॉर्टमेंट फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये कहाँ है? सिकंदराबाद। एंड नेक्स्ट इज NIEPMD जहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पॉर्टमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, चेन्नई है। इसके बाद PDUNIPPD इसको बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ए दिल्ली में अवस्थित है। इसके बाद सेंटर SVNIRTAR सेंटर, इसको फुल फॉर्म होता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन रिसर्च, ये आपका उड़ीसा कटक में अवस्थित है जी। इसके बाद NLD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये फुल काका में है, बीटी रोड बलबीर कोलकाता। अभी नया जो हुआ है दो तो उसमें ये भी है, अभी एक साल पहले हुआ है, मैं प्रोग्राम क्या था उसको भी डिटेल बताया था। देखिए हमारे यहाँ प्रोग्राम जो होता है उसको भी आप अटेंड करिएगा ना तब भूल जाएगा,
क्योंकि हम इसी संबंधित बताते हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर ऐसा होता तो बताते नहीं। तो इस पर मैं प्रोग्राम किया हूँ, इसका उद्घाटन किया हूँ, इमेज बनाया हूँ, डिटेल बताए आप लोग ध्यान में होगा। ISLRTC इसको फुल फॉर्म होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ये आपका दिल्ली में है, फिर भी एक साल पूर्व खुला है। यहाँ सिर्फ ISL मतलब ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज अमेरिका का अलग है, सबका साइन अलग है। इंडियन साइन लैंग्वेज की यहाँ ट्रेनिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ CRE होता है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लोग करते हैं ना, तो इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट बना गया है इसको, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो सेंटर इसका नाम दिल्ली में है एस्टेब्लिश। और अभी एक दो साल पूर्व एक क्वेश्चन आ गया था, फुल फॉर्म ऑफ NIMHR, ये जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, MP सीहोर में है। दो साल पहले क्वेश्चन आया था कि NIMHR वेरी सिक्योरिटी कहाँ अवस्थित है, तो NIMHR आपका सीहोर MP में अवस्थित है। NIMHR फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये आपका 9 में बताया है, आप अभी सुनिए कुछ बड़े तो लिखिए, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, और ना बने तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, NI नेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये 9 NI नौ आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया इंडिया यानी भारत सरकार के समाज में एकता मंत्रालय के अंदर संचालित है। अंडरस्टूड। अब जो कुछ इंस्टीट्यूट हम नाम बता रहे हैं वो आपका फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से संचालित है, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती वो संस्थाएं। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो नंबर 1 निमहांस का नाम सुने होंगे, बंगलोर निमहांस, इसको NIMHAMS निमहांस फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। यह सेक्रेटरी कहाँ है, बंगलोर में, फेमस है निमहांस बहुत। इसके बाद देखिए कितनी गर्व की बात है, जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं उस संस्थान में निमहांस भेलौर से लोग यहाँ आते हैं। अभी कोई आए हैं बढ़िया कुछ तरफ से उनको निमहांस ने कर दिया यहाँ भेलौर में, तो चूंकि बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ जो प्रोफेशनल है वो वेल क्वालिफाइड है, जब तक आप जानकार नहीं रहिएगा नौकरी कर लीजिएगा किसी का भविष्य नहीं बना पाएगा, भविष्य बनाने के लिए आपके पास चूर चूर का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत चलती है, तो नंबर निमहांस बेंगलोर होगा। नंबर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होगा AIIPMR, AIIPMR ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ये आपका मुंबई में है। इसके बाद AISH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्पिशियल हेल्थ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है यह, और ये मैसूर में है। फिर से बोलता हूँ एकदम इतमान से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है, रेस्टलेस होकर के पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो AISH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्पिशियल हेयरिंग मैसूर में, और CIP आपके पास है, कहाँ से है कुंदन जी, रवि रंजन जी, रंजन जी CIP कहाँ है आपके पास है बताइए। CIP का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ है? रांची में बेटा। हाँ गलती देखिए बोलने से मना नहीं, हम लोग पूछे तो गलती बोल दीजिए भैया, मरा मरा से राहत हो गया तो तुम भी गलती बोलते हो सही बोल रहा है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री सीआईटी ये कहाँ है? रांची। रांची में है। जानकारी दे दें कि रांची में तीन संस्थाएं हैं, सीआईटी है, एक डीवी प्राइवेट है और एक विकास है। क्या है? रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी एंड रिहैबिलिटेशन। लिखो लिखो अपना धारणा कोई नहीं है, हम लोग जानते हैं बेवकूफ का यहाँ रहते हैं। रीनिवास आर आई क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन कुछ ठिकाना है, आप झारखंड में रहने वाले हैं, हम लोग बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हमारे गति है ना, तो इसलिए हम लोग जान लीजिए कि हमारा तीन यहाँ है, एक आपका सीआईटी है, एक डिग्री प्राइवेट है प्राइवेट है और एक आपका रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज रीनिवास है। रीनिवास का फुल फॉर्म क्या होता है? रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज। तो ये तीन हमारे यहाँ ऊपर झारखंड ही है, झारखंड कितना कीर्तिमान है। इसके बाद तो ये जितने भी संस्थाएं का मैंने नाम लिया है ये सभी फैमिली हेल्थ वेलफेयर की तरफ से यानी स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की तरफ से संचालित होती है चार संस्थाएं, और एक संस्थाएं और हैं वो अभी रजनी बोल रही थी ना बेटा, क्या बोल रही थी आप? NHF NHFBC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत दुर्गति है भाई सब याद डिपार्टमेंट। हाँ नेशनल हैंडीकैप हैंडीकैप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लेकिन नाउ वो इधर पे NHAH को हटा करके डी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? NDFC नेशनल दिव्यांग फाइनेंस हैंडीकैप डेवलपमेंट का डी जब कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हैंडीकैप सब तो हटा दिया गया, विकलांग का हटा दिया गया। अभी देखिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी अभी आए थे कहीं तो कल धनबाद में ही आए। हाँ और कहीं आए थे। हाँ अभी कल परसों तो कुछ दिव्यांग लोगों ने अपना अधिकार मांगने के लिए कि भाई हम लोग भी सुनिए, हम लोग भी पोटिशन जगह दीजिए, हम लोग भी MLA बने आए। सो अभी क्या, क्योंकि भाई राइट टू पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट है ना, आपकी जरूरी उसमें अधिकार दिया हुआ है वोट देने का, नेता बनने का, सब इक्वल अपॉर्चुनिटी बराबर होना चाहिए, हमको भी दीजिए अधिकार। मान लो जायज था, लेकिन पुलिस वालों ने मार पीट करके सब दिव्यांग को भगा दिया। मैं यूट्यूब में हाँ देख रहा था तो मैंने जानकारी लगा था, मैं कुछ लिखेगा मैंने लिख दिया कि जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करता है या जो दिव्यांगजनों की हक्की मारी करता है या जो दिव्यांगजनों के साथ छेड़छाड़ मारपीट अभद्र व्यवहार करता है तो उनके लिए कानून में क्या है प्रावधान, तो उनको कानून में 5,00,000 रुपया तक जुर्माना और 2 साल तक कैद है। अब मैंने उसको लिख के भेज दिया, लोगों ने बड़ा भाई जानकारी भी एक चीज है ना, ज्ञान महान है, धर्म महान कहते सुने लोग कहता है यार बिना धन का कुछ नहीं होता, बात सही है। तो धन का काम सिर्फ आपको क्या है हम बताएं क्या है धन का काम? तो धन सिर्फ आपको गिरने नहीं देता है, धन का ही काम है और ज्ञान हर समय आपको सकता है, धन से खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान से कुछ खरीदा नहीं जा सकता, ज्ञान से बचा जा सकता है। तो देखिए ये था आपका ये दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया और मैंने यह भी बता दिया कि NHFBC और सारे इंस्टीट्यूट का क्या काम है पता है आपको?
जितने इंस्टीट्यूट का मैंने बताया आने लोग 514 बता दिए ना, तो 14 इंस्टीट्यूट है सबका पढ़ना है। जो जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट का कोर्स चलाना है, उस डिपार्टमेंट का स्पेशल शूज चलाना है, उस डिपार्टमेंट से आपको जो जानकारी जैसे आपको लोगों में पता भी है, कोई वी आई है देहरादून भेज दीजिए, कोई हियरिंग स्पेशल है बम्बे भेज दीजिए, कोई मल्टीपल डिजेबल है उसको चेन्नई भेज दीजिए। तो सबके अलग इशू है, सबका अलग अलग काल है और सभी जगह डिफरेंट टाइप के कोर्सेस चलते हैं और सभी जगह की सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक क्या देखिए हमारा बेनिफिट एंड कॉन्सेशन। चलिए अब हम बेनिफिट एंड कॉन्सेशन एट ए ग्लास पर चलेंगे। बेनिफिट एंड कॉन्सेशन एट ए ग्लास, एक झलक देखिए। देखिए बेनिफिट और कॉन्सेशन की बात ऐसा है कि आप लोग सब जान रहे हैं कि रेल पास की सुविधा मिल गई है। सेकेंड, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड चपई सुरे उन्होंने बस दिया है और बस में क्या है, अनाथ गरीब दिव्यांग फ्री है, तो सब जगह ऐसी व्यवस्था है हमारे झारखंड में हुआ, देश हुआ हुआ फ्री बस पास दिव्यांगों के लिए है। टेलीफोन रखेंगे उसमें आपका है कॉन्सेशन, एयर कॉन्सेशन 50% है, एयर ट्रेवलिंग आप करते हैं, कभी किसी ने फोन किया एयर का सफर कैसे बनेगा, हम मिनिस्ट्री ऑफ एयर से बात करेंगे कोई करेगा इसका कोई माने नहीं। लेटर जो आप क्रॉसलैंडिंग करते हैं, मान लीजिए दिव्यांग जनों का कुछ सामान आप भेजते हैं लाते हैं तो उसमें भी आपका कॉन्सेशन है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी, कुछ कस्टम ड्यूटी मान लीजिए बस ट्रक से कुछ दिव्यांग का कुछ आता है तो जो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज है उसमें है नहीं लगता है। आईटी कॉन्सेशन, इनकम टैक्स जो दिव्यांग है उनको या दिव्यांग के माता पिता इनकम टैक्स लगता है तो उनमें 80% तक उनका इनकम रिडक्शन होता है। रोड टैक्स इंडक्शन, अगर आप गाड़ी है आपके नाम से तो वो टैक्स माफ होगा, इंश्योरेंस में कम पैसे लगेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन में कम पैसे लगेंगे, हर चीज में आपके 10%, 20%, 50% माफ है। टोल टैक्स में मिले सर, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से संपर्क करिए, आपका दिव्यांग का प्रमाण पत्र है तो आपको पेट्रोल में भी 40% का कॉन्सेशन है, पेट्रोल डीजल जो भी आप लेंगे, गाड़ी अभी आपसे होनी चाहिए उसके काम बनती है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस रिजर्वेशन आपका भी 4% हो गया है गवर्नमेंट में, और एज रिलैक्सेशन भी हो गया है, एज रिलैक्सेशन 10 से 15 साल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद स्कॉलरशिप सरकार आपको दे रही है और पोस्ट दोनों। इसके बाद आपका पेंशन रिलैक्सेशन, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपको मिल रहा है, आपके बाद आपके मिसेज को मिलेगा, आपके मिसेज बाद किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसको मिलेगा। अगर इंटेलेक्चुअल से सीपी आईडी, अगर आपका बच्चा नेशनल ट्रस्ट एक्ट में है सीपी आईडी एमबी और ठीक है ना, तो ये 4% का डिसेबिलिटी नजर है, अगर आप नौकरी सर्विस करते हैं तो आपका मनोअनुकूल ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, जहां आपके लिए ऐसे बच्चों की सुविधा हो वहां ट्रांसफर मैंने कहीं बुक कराया है, अरे मैं कराया कर मैं तो अधिकारी नहीं हूँ लेकिन मैंने और रूल्स को निकाल करके दिया और जाकर के अपने अधिकारी को दी उसके आधार पर हुआ है। इसके साथ है अभी प्लस की बात है अबुआ आवास, किसको मिलेगा ना, दिव्यांग गरीब लाचार है ना, तो रेजिडेंस आवास की सुविधा नहीं दिया जाता दिव्यांग जनों, अबुआवास मिलेगा आराम से। आप लोग पता करिए कि अबुआवास में ऑनलाइन करने का है, हमारे यहाँ भी इतने बच्चे हम भी ऑनलाइन करते हैं भाई, दीजिए ना वहाँ दिव्यांगों को दीजिए, 3 कमरे का मकान मिलती है तो मान लीजिए 10-12 दिव्यांग बच्चा है तो 30 कमरा हम लोग कॉलेज को देंगे, बच्चे मिलेंगे हमारा हॉस्टल चलेगा दिव्यांग नहीं रहेगा वो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार रहे, लेकिन सुविधा लेना कितना जो सुविधा देने वाले हैं
वो भी कम रखने वाला नहीं है। आप पहले की बात वहां पहुंचाने में आपको 3 महीना लगे। अरे मीडिया आपके क्वेश्चन था वो बता नहीं पाए थे, मैंने बताने का टाइम ओवर हो गया था, बुला गए थे। आप कह रहे थे जो 1000 मिलता है सर कहाँ से मिलता है? नहीं सरकार, हमारी झारखंड सरकार तो 1000 हम लोग को दिव्यांग लोग देती है, वो तो स्वामी विवेकानंद अनुदान देती है 1000 पर महीना, कई जगह 600 है 800 है 400 है, लेकिन 1000 है, 1000 कुछ नहीं, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कम से कम 8000 हो, ताकि अगर 5 किलो राशन देते हैं 8000 रुपये आते हैं तो मार भर चौका खाएगा, 1000 में कुछ नहीं होने वाला है। तो एक जो 1000 का हमारी झारखंड सरकार जो देती है वो सामाजिक सुरक्षा से देती है, SSS सामाजिक सुरक्षा विभाग, यानी सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है डिस्ट्रिक्ट सामाजिक सुरक्षा विभाग है, वहाँ से मैं सामाजिक सुरक्षा कुशांग होता है तो उसके तरफ से आपको सुविधाएँ मिलती है। इसके बाद लोन कॉन्सेशन है, आपको 4% पर लोन मिली, 5% लोन, तो 4-5% का लोन मिलता है, 8% 6% 9% 10% 12% तक है, तो बहुत सुविधा है। इसके बाद मेडिकल रिलैक्सेशन है, आप निरामया हेल्थ कार्ड बनाइए या फिर आप आयुष्मान बनाइए। क्या अंतर है निरामया आयुष्मान में हम बता चुके हैं, आप लोग कोई बताएंगे? आयुष्मान कार्ड में ऑपरेशन का कार्ड है, वेरी गुड। आज जो एक और कार्ड अभी निरामया, हाँ उसमें सर्दी खांसी, हाँ हाँ छोटा कार्ड आपको मिलेगा, वेरी गुड अंडरस्टैंड। अच्छी बात है, हम पढ़ाते हैं आपको पढ़ते बड़ी खुशी होता है कि हम खाली बकबक नहीं करते, हम कुछ बताते हैं तो आप कुछ ग्रहण करते हैं। अदर्स और बहुत सारी चीजें हैं जैसे दिव्यांग लोगों को फ्री में व्हीलचेयर, फ्री में ट्राइसाइकिल, फ्री में हियरिंग एड, फ्री में बुक्स, फ्री में ब्रेल लिपि, सब कुछ फ्री में आ रहा है। तो बहुत सारे सरकार सुविधा दी है, लेकिन उस सुविधा तक हम पहुंच पाएंगे जब तक पहुंचना ही एक सबसे बड़ी कठिन काम है। आगरा का है हाउ मेनी सीआरसी इन इंडिया। चलो बेटी इसको पढ़ने से पहले हमको जाना पड़ेगा हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, हाउ मेनी सीआरसी इन इंडिया, इसको पढ़ने से पहले जाइए हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, हमारे देश में कितने स्टेट हैं? भैया आपको टीचर बनने जा रहे हैं, 28 है, वेरी गुड बेटा, 28 का नाम हमको याद है, वेरी गुड, थैंक यू, तब टीचर बनोगे तुम, एकदम ठीक कहा, 29 का 28 हो गया, एक कम गया, कैसे कम गया बता, कौन बताएगा? केंद्र शासित में चल गया क्या? हाँ सर, जम्मू कश्मीर लगा, हाँ बात, हाँ धन्यवाद भाई, ऐसी पढ़ते रहिए आप लोग, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, लगे रहो ना भाई, एक एक दूसरा फिल्म देख रहे हो बच्चों, हमारा एक सही बात है, ये कहते हैं बुक में नहीं मन लगे ना तो कभी कभी रामायण सुन लो, गीता, श्रीमद् भागवत, देवो भागवत, पुराण, बाइबल, एक जगह काम करने से मन थकता है तो अपने ध्यान को कहीं और भटका दे, लेकिन कहाँ भटका है, गलत जगह क्या भटका है, कुछ सबूत मिलता है। चलिए अच्छा बात आपने कहा, एक टॉपिक खत्म हो गया, 28 स्टेट्स हैं और UPS कितने हैं? हमारे स्टेट्स इन आवर इंडिया स्टेट्स कितने हैं? 28 एंड UPS समझते हैं लद्दाख और हम झूठे आपको गुस्सा देते हैं, आपको पढ़ते हैं, हमारा सोच तो गलत है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन कौन 28 है और कौन कौन 8-9 यूनियन टेरिटरी, इसको ध्यान रखिएगा ठीक। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी सीआरसी इन इंडिया, इंडिया में कितने सीआरसी हैं? तो देखिए आपको क्लियर बता दें, इन आवर इंडिया 21 CRC का फुल फॉर्म देखिए, इन अवर इंडिया नाउ इट इज 21 CRC, इन अवर इंडिया 21 CRC,
सीआरसी 21 सीआरसी सीआरसी का तो हम जानते हैं बोलिए कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी का पूर्व फॉर्म कंपोजिट रीजनल सेंटर एंड ऑल इंडिया अंडर 21 स्टेट 28 स्टेट 21 सीआरसी आने हमारा 28 राज्यों में 21 राज्यों में सीआरसी ठीक है हमारे झारखंड विकास में है कितनी ज्ञान की बात है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको आपको याद कर लीजिएगा ठीक है और क्या है कि आपका हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन आवर इंडिया टीचर है आपको जानना पड़ेगा खाली स्टेशन पढ़ना नहीं हो पाएगा आपको जनरल एजुकेशन में भी आपको मौका दिया जाएगा जी हाँ नहीं बहुत अच्छा है वेरी गुड है भैया झूठे बोल रहे हो गलत बोलो ना अच्छा बोल रहे हैं 779 डिस्ट्रिक्ट इन आवर इंडिया ठीक है एंड 779 डीडीआरसी इन आवर इंडिया 779 डीडीआरसी डीडीआरसी समझते हैं रजनी जी फिर गुस्सा की सब भी बातें नहीं है तुम्हारा नहीं तो क्या करें पापों के लिए क्या करेंगे बोलो गाली दे रहे हैं तब पापों की सुसाती भी गाली देते हैं तुम्हारा क्या करें क्या करें कुछ 1,00,000 बालक दो साल पढ़ाए हैं डीडीआरसी सीआरसी बीआरसी हमारा गुरु जी से ठेक करवाते हम वही सीख लगे देखो डीडीआरसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रिक्रेशनल सेंटर जिला प्रवास के लिए डीडीआरसी लिख लो ना इसको हम बताएं कई बार डीडीआरसी जाने दो बमासी करो तो हो गए अगर लाठी लगे तब से मार लेंगे पड़ा पड़ा डीडीआरसी डिस्ट्रिक्ट डिलीवर रिक्रेशनल सेंटर यानी जिला दिव्यांग प्रवास सभी जिले में है यानी 779 जिलों में है यहां बहुत कुछ मिलेगा डीआरसी का नाम सुने हैं डीआरसी डीडीआरसी सीआरसी डीआरसी का नाम सुने हैं हम सब बताएं रवि रंजन सर देखिए अब लैपटॉप लेके आएगा कंप्यूटर लेके आएगा ठीक है बेटी लेकिन डीआरसी का नाम नहीं वोकेशनल एजुकेशनल सेंटर डीआरसी वोकेशनल एजुकेशनल सेंटर ये सवाल आएगा लिखो बीआरसी सीआरसी डीडीआरसी चलिए हम एक बार कंक्लूजन प्रकाश डालते हैं आज का हमारा क्लास था नेशनल इंस्टीट्यूट भारत सरकार के समग्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमारे यहाँ कितने इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में जो संचालित हैं तो उसमें 9 इंस्टीट्यूट हैं 9 जो सामाजिक अधिकार मंत्रालय के तहत संचालित है और 5-6 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो परिवार एवं कल्याण विभाग के द्वारा आपका संचालित है जिसमें आपको नाम सभी मैं बता दिया हूँ और दूसरा आपका बेनिफिट एंड कॉन्सेशन एट एडवांस बता दिया क्या क्या राज्य सरकार भारत सरकार दिव्यांग देने में उनके माता पिता को सुविधा दी है और उस सुविधा को संपर्क करने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा ये भी बता दिया हूँ किसी दिव्यांग को कोई सुविधा देना तो कहाँ संपर्क करिएगा एक से बताइए आप जिले में कहाँ संपर्क डीसीएम सही बात है डीसीएम की तो डायरेक्ट डीसीएम को क्यों परेशान करेगा उनके नीचे ही बहुत अधिकारी हैं पहले थाना के प्रभारी जिले में जिले समाज कल्याण अधिकारी है जिला समाज कल्याण अधिकारी
डीएसडब्ल्यू उनके नीचे आप अधिकारी हैं, डीसीपीओ हैं, सीडीपीओ हैं, पुष्पीओ हैं, बीडीओ हैं, ये सभी अधिकारी हैं। इसके बाद क्या है, हाउ मेनी सीआरसी इन इंडिया, मैंने बता दिया 21 सीआरसी इन इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ दैट इन आवर सेंटर इन आवर इंडिया, 28 स्टेट्स एंड 8-9 टेरिटरीज, सो दैट नाउ इट इज 21 सीआरसी इन आवर इंडिया एंड हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया आपको मालूम है। और इसके साथ मैंने बी आर सी, डी डी आर सी और सी आर टी सी प्रकाश डाला है। आज का वीडियो तक जय हिंद।